नमस्कार दादा। जैसे जो असम में अभी एनआरसी लागू हुआ है, तो क्या एनआरसी लागू होने के बाद गोरखाओं के ऊपर भी इसका कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? जैसे अभी असम में हम देख पा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा देखिए, बता दीजिए। जो एनआरसी असम में चल रहे हैं, जो कार्रवाई चल रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश नामा में चल रहे हैं। दूसरा बात ये है, उसका जो जो सिस्टम जो तैयार किए हैं, उसका जो पोर्टफोलियोज में जो जो है, वो सब सुप्रीम कोर्ट का हिसाब किताब में ही चल रहे हैं। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पैरामीटर्स भी उन्होंने ठीक किए हैं। ये कोई कानून जैसा लागू नहीं हुआ। भाजपा को जो एनआरसी है, वो एनआरसी अलग चीज है। वो एनआरसी पास होने के पहले सीएबी लागू होगा, सीएबी आएगा, सीएबी होने के बाद एनआरसी आएगा। जो बात एकदम खुला करना चाहिए, गोरखा तो छोड़ दीजिए, कोई जनजाति छोड़ दीजिए, हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैनी, पारसी और कोई अलग धर्म मत में हो, जो देशभक्त के समय, ये 1946, 1947 के टाइम में इस देश को अपना मातृभूमि समझे, इस देश में रहने वाले थे, इस देश से बाहर से बाद में आए, एकमात्र जो उनका सामाजिक या धर्मीय उत्पीड़न से छुटकारा पाने के लिए, उनका खुद का देश छोड़कर इस देश में आए, वो सबको इस देश में रहने का हक है। ये हमारा अध्यक्ष जी ने, माननीय जो स्वराष्ट्र मंत्री है आप, अमित शाह जी ने खुलकर बता दिया, पहले सीएबी आने दीजिए। सीएबी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, तृणमूल मिल करके सीएबी नहीं होने देने लगे, और इसीलिए ये एनआरसी वाला चक्कर में घुस रहा है। एनआरसी कोई डर का कोई चीज नहीं है। जो यहाँ का आदमी है वो यहाँ पे रहेगा, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो गोरखा हो, जो जो भी है। लेकिन पहला बात ये होना चाहिए, जो वो उसको इस देश का, भारतवर्ष का सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट बिल है, उसका उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसके बाद ही वो लागू होगा। कोई डर का चीज नहीं है, जो यहाँ का आदमी यहाँ ही रहेगा। लेकिन जो घुसपैठिया है, जो धर्म के नाम में एक बार देश को टूटने के बाद भी फिर घुसपैठ करने के बाद ये दारुल इस्लाम को कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो जिहादी मुस्लिम्स जो है, उसको तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। जो बांग्लादेश से आए हैं, जो पाकिस्तान से आए, अफगानिस्तान से आए, ये भारत का सर्वनाश करने के लिए ये जो लोग यहाँ पर आए हैं, देखिए भारत की धर्मशाला नहीं है ये। जो जगह अपने आपका लिए ले लिया, जो वो उसको इस देश का, भारतवर्ष का सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट बिल है, उसका उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसके बाद ही वो लागू होगा। कोई डर का चीज नहीं है, जो यहाँ का आदमी यहाँ ही रहेगा। लेकिन जो घुसपैठिया है, जो धर्म के नाम में एक बार देश को टूटने के बाद भी फिर घुसपैठ करने के बाद ये दारुल इस्लाम को कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो जिहादी मुस्लिम्स जो है, उसको तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। जो बांग्लादेश से आए हैं, जो पाकिस्तान से आए, अफगानिस्तान से आए, ये भारत का सर्वनाश करने के लिए ये जो लोग यहाँ पर आए हैं, देखिए भारत की धर्मशाला नहीं है ये। जो जगह अपने आपका लिए ले लिया, उसके बाद वहां से फिर घुसपैठी कर रहे हो, और यहाँ का जो क्रिश्चियन है, यहाँ का जो मुस्लिम है, इसका यहाँ का जो हिंदू है, उनको सर्वनाश करने वाला है, यह ठीक नहीं है। अब उसको तो जाना ही पड़ेगा, पूरा विश्व तैयार कर ले, उसको जाना ही पड़ेगा। आज हेर्नुहोस्, हामीलाई जुन प्रकारले एउटा पेनिक बनाउने काम गर्नुभएको थियो पश्चिम बङ्गालको पर्यटक मन्त्री आदरणीय श्री गौतम देवज्यूले, जसरी गोर्खाको किपटमा आएर उहाँले भन्नुभयो एनआरसी लागू हुँदाखेरि चाहिँ गोर्खा 94% गोर्खा चाहिँ पहाडबाट प्रत्याशित हुनुपर्छ भनेर, यो चाहिँ होइन, यो झुटो कुरा हो। यो तृणमूलको भ्रष्टाचारीहरूले यहाँनिर हामीलाई पेनिक बनाउने काम गर्दैछ। यिनीहरूले हाम्रो कसरी हुन्छ, पहाडबाट आगो लगाएर बङ्गालमा जुन प्रकारले आज एउटा षड्यन्त्र रच्दैछ नि, त्यो षड्यन्त्रलाई चाहिँ तहस नहस गर्नुको लागि हाम्रो आज हेर्नुहोस् राज्य सभापतिसँग हामी भेटेर बसेर बात गऱ्यौँ। किन भन्दाखेरि उहाँ एकजना वकिल पनि हुनुहुन्छ, र उहाँसँग हामीले कुरा बुझेपछि उहाँले स्पष्ट गरिदिनु भएको छ, गोर्खा समाजलाई हामी यो भन्न चाहन्छौँ, हेर्नुहोस् एनआरसीलाई लिएर कसैले पनि राजनीति गर्दैछ भने गरोस्, तर तपाईँहरू दिग्भ्रमित हुने काम छैन। किन भन्दाखेरि हामी तपाईँहरूको पछाडि हाम्रो किपटमा आएर आजको गृहमन्त्री आदरणीय श्री अमित शाहजीले कालिम्पोङको भूमिबाट भन्नुभएको छ,
गोर्खाहरूलाई एनआरसीले 12 हात कोठाएकोले पनि छुँदैन भनेर त आज कसरी यिनीहरूले त्यो भ्रष्टाचार गर्ने चोर गर्ने दलालीहरूले आज हामीलाई पेनिक गर्ने काम गर्छ। यसको विरोधमा समग्र पहाडवासी गोर्खा समाजलाई हामी आह्वान गर्छौँ, यसको विरोधमा मैदानमा उत्रिनुपर्छ। गौतम देवको हामी घोर प्रदर्शन गर्छौँ, विरोध गर्छौँ, निन्दा गर्छौँ र एउटा उच्च स्तरीय पदमा बसेर यस्तो खालको बयानबाजी चाहिँ कहिले पनि नगरिदिनु। यो झुट्टा झुट फैलाएर किन ढाँट्नु? हामीलाई दिग्भ्रमित बनाएर यो 21 औं शताब्दीको युवाहरूलाई युवतीहरूलाई समाजलाई दिग्भ्रमित गर्ने काम चाहिँ कदापि तृणमूल सरकारले नगरोस्।